बड़ी खुशी हुई कि हरियाणा के अंदर आपने उस बहादुर मदनलाल ढींगरा जी को उनके जन्मदिन के ऊपर याद किया, जिन्होंने बड़ी छोटी उम्र के अंदर मातृभूमि को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों को ये बताने के लिए आप भारत छोड़ के चले जाओ, फांसी के रस्ते को शहीद आलम भगत सिंह करतार की तरफा की तरह फांसी के हाथ के रस्ते को हाथ हथ के चूमा था, मैं बहुत आपका आभारी। और मुझे इस बात की पीड़ा और दुख जरूर रहता है, हम पंजाब के रहने वाले हैं, जो दसवां पंजाब के बाद चाहे धार्मिक हो, चाहे शहीद आलम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, चाहे मदन लाल ढींगरा जी का हो, हर चीज को, हर उस वक्त को, हर उस पल को बुलाया नहीं जाता, उनको दिल के साथ आप याद करते हैं। और अपनी पंजाबी जो एक कुर्बानियों का इतिहास है पंजाबियों का, उसको लोगों तक संदेश पहुंचाते रहते हैं। हरियाणा की वो धरती जहां बड़े कारगिल का युद्ध हुआ, 71 की जंग हुई, 65 की जंग हुई, हरियाणा के अंदर बहादुर जाबाजों ने अपनी मातृभूमि के लिए, मातृभूमि की आजादी की रक्षा के लिए जो मदनलाल ढींगरा जी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी ने लेके दी थी, उसकी आजादी की रक्षा करते हुए शहादत का जाम किया। पर क्या हम उनकी आजादी की रक्षा कर पाए? क्या उनके असूलों के ऊपर चल पाए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ा एक सवाल है। चाहे शहीद आजम भगत सिंह जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद, मदनलाल ढींगरा जी, शहीद आजम उधम सिंह, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिन्होंने मातृभूमि को अंग्रेजों की जंजीरों के छुड़ाने के लिए अपने सीने पे गोलियां खाई थी, आज अगर वो जिंदा होते, कोई देश का प्रधानमंत्री होता, कोई किसी स्टेट का मुख्यमंत्री होता, को उपराष्ट्रपति होता, को बड़े बड़े पदों पे होते, पर नहीं, उस वक्त के राजनीतिक लोगों का एक ही मकसद था कि आने वाली जनरेशन के लिए फांसी के रस्तों को चूम करके, अंग्रेजों की लाठियों को खा करके और अंग्रेजों की गोलियों को सीने से खा के भारत को आजाद कराना, ही उनका मकसद था। उस वक्त की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत बड़ा अंतर है। आज की राजनीति वोट बैंक की राजनीति, उस वक्त जब भारत माँ के लाल जब घर से निकलते थे तो माँ को कहते थे माँ गोली सीने पे खाएंगे तो भारत माता को आजाद कराएंगे और शहादत देते थे। ये परंपरा लाल बहादुर शास्त्री और सरदार पटेल तक चली। उस वक्त तक मुल्क आजाद रहा, हर व्यक्ति को आजादी थी। उनके बाद कहीं ना कहीं हम राजनीतिक गुलामी के अंदर आ गए। जो राजा चाहेगा वही होगा, वो जो शहीद आजम भगत सिंह जी आजादी चाहते थे वो आजादी नहीं मिली। एक प्रोफेसर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की समाधि में जाते हैं फरोजपुर हुसैनी वाला में, और जब उनकी समाधि में सिर झुकाते हैं तो जोर जोर से रोते हैं और वही रात गुजारते हैं। रात को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव आते हैं, हमने तो देश को आजाद करा दिया, आपको तो खुश होना चाहिए, रोते क्यों थे? कहता मैं रोता इसलिए हूं, जब आपने फांसी के फंदे को चूमा, मुल्क आजाद हुआ, मातृभूमि आजाद हुई, जब आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अंग्रेजों ने सतलुज दरिया में फेंक दिया, आजादी आपके साथ चली गई।